मोटरसाइकिल टायर थीफ। विराजपुर नाम के गांव में दीपक नाम का एक चोर हुआ करता था। वो छोटे मोटे चोरी करता रहता था। इससे पुलिस वाले कभी भी कोई भी चोरी होती तो उसे ले जाते। एक दिन पुलिस कांस्टेबल करण से दीपक, सर ये तो बहुत अन्याय है सर, कहीं पर भी छोटी मोटी चोरी हो जाए तो मुझे ही लेकर जाते हो, मेरा इज्जत चला जा रहा है सर, फिर आप देखना मैं क्या करूँगा, मुझे ही पता नहीं, आप मुझे नहीं जानते हो सर। करण, अरे दीपक एक बार छोटी सी चोरी किया तो जरा सा भी शक हो तो तेरे पास ही आएंगे। एक और बात, तुमने मुझे वार्निंग दिया है रे, बस अब तो आस पास के गाँव ही नहीं, अब 20 किलोमीटर की दूरी पर भी किसी गाँव में चोरी हुआ तो पहले तुम्हें ही अंदर डाल दूंगा। यूं कहा। ऐसे कुछ दिन बाद अपने दोस्त विष्णु से दीपक, अरे वो कांस्टेबल करण मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, उसे किसी तरह सबक सिखाना होगा। विष्णु, अरे भाई पुलिस से क्या दुश्मनी, अपना काम हमें देखना चाहिए ना। दीपक, क्यों वो लोग तो नहीं सोचते कि चोरों से हमें क्या, इसलिए मेरा दम दिखाने की ठान चुका हूँ, अब दिखा कर ही रहूंगा। यूं कहा। उस रात दीपक कांस्टेबल करण के घर जाकर उसके बाइक के टायर की चोरी कर लिया। फिर अगले दिन रोड पर करण चलते हुए जा रहा था तो दीपक, क्यों भाई चलकर जा रहे हो, क्या बात है, कहीं बाइक पंचर तो नहीं हुई, मैं ड्रॉप करूं क्या स्टेशन तक। करण, अरे पंचर नहीं हुआ रे, कोई मेरा बाइक का टायर को चुरा लिया है और मेरा SIG बाइक टायर का चोरी हो गया है कहकर बहुत डांटे है रे, छी छी पूरा इज्जत मिट्टी में मिल गया है। दीपक, अरे ये क्या भैया, ये तो अन्याय है, किसी और का किया धारा देखकर मुझे अंदर किया, ठीक वैसे ही कोई तो टायर चुरा लिया तो आपको डांटे, बेचारे अगर यही बात तुम्हारे ऐसे के साथ हुआ होता तो उनको पता चलेगा कि दुख कैसा होता था। करण, हाँ रे उसके साथ यही होना चाहिए तब उसे मेरा दर्द समझ में आएगा, कहकर चले गया। फिर दीपक विष्णु से मिलकर SI और कांस्टेबल्स बड़े ऑफिसर के घर बाइक टायर को चुराए। इसे स्टेशन पर एक बड़ा ऑफिसर आकर स्टेशन में सबको खूब डांटा। वो चोरी छिपे देखकर दीपक बहुत खुश हुआ। ये सब कुछ दिनों तक होता रहा तो पुलिस वाले वो बाइक टायर चोर को ढूंढने चेक पोस्ट पर खड़े थे। वही नहीं, मैकेनिक शॉप में भी बाइक टायर के बारे में चेक करना शुरू किए, फिर भी उन्हें कोई टायर नहीं मिले। एक दिन पुलिस स्टेशन जाकर करण से दीपक, ये क्या है सर, आजकल मेरे पास कोई पुलिस वाले ही नहीं आ रहे हैं, इतना बिजी हो गए हैं क्या, और ये क्या आपके स्टेशन में सबका टायर चुरा लिया गया है सुना, सच है क्या सर। करण, अरे तुझे क्या है रे, वैसे आजकल तुम पर गौर कर रहा हूँ, इतना दया दिखा रहे हो हम पर अचानक, कहीं बदला लेने के लिए वो टायर तुमने तो नहीं चुराया ना। यूं कहा। तब वहाँ मौजूद कांस्टेबल, इसने किया या नहीं दो मारेंगे तो पता चल जाएगा ना भाई, दो नहीं चार मारेंगे चलो, कहकर पुलिस वाले दीपक के इर्द गिर्द जमा होकर अच्छे से उसे मारे। तब दीपक खुद मान गया कि उसी ने वो चोरी की। अब सेल में उसे कांस्टेबल्स डालते हुए देखकर SI, ए उसे छोड़ो रे, चोरी करके खुद स्टेशन आकर फंस गया है, कैसा चोर हुआ है भाई, और तुम लोग भी हर बार उसके घर मत जाओ, बेचारा फेल हो गया होगा, देखो जो भी है अगर उसके वहाँ जाना है तो पहले मुझे बताओ वरना फोन करके उसको स्टेशन को बुलाओ, बस हर बात पर उसके घर जाकर उसकी इज्जत मत निकालो। यूं कहा। ये बातें सुनकर खुश होकर दीपक थैंक्स कहकर चले गया।